मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की मल्हारगढ़ स्थित शिशु विद्या मंदिर में गणतंत्र दिवस पर एक अनूठी पहल देखने को मिली। इस पहल के दौरान सेवानिवृत्त सैनिक कमलेश देवरा ने ध्वजारोहण किया है, जिसके बाद सभी ने तिरंगे को सलामी दी। सेवानिवृत्त सैनिक देवरा ने देश के लिए सरहद पर 17 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी, जिसके बाद वह सेवानिवृत्त हुए। कार्यक्रम के दौरान मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। सेवानिवृत्त सैनिक ने स्कूली छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोगों की जो अभी यह उम्र है, उसी में आपको अपना भविष्य तय करना है। आपको आगे जाकर क्या बनना है, आपको एक टारगेट बनाकर चलना चाहिए ताकि आप अपनी मंजिल पा सकें। मंदसौर से रवि पौड़वाल की रिपोर्ट।